देखो इधर क्या बताया था मैं। अच्छा, जो मैं नोट भेजा हूँ ना वो पूरा कंप्लीट है, और उतना नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, ये इस चैप्टर के लिए। और इस चैप्टर का ना वो भी दे दो, टेस्ट भी दे दो, पूरा थ्योरी थ्योरी है ये, थ्योरी और कॉन्सेप्चुअल रहेगा, ठीक है। तो एक दिन डिसाइड करो टेस्ट देने के लिए। चलो देखो क्या बताया था मैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ग्रुप बनाता है। इस ग्रुप को यानी हर एक ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन है दे आर अलाइन इन सेम डायरेक्शन। ओके, तो इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी ग्रुप फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस ग्रुप? इस ग्रुप को क्या बोल रहे थे हम लोग? क्या बताया था नाम में? द ग्रुप इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ओरिएंटेड इन सेम डायरेक्शन। क्या नाम था ग्रुप का? डोमेन। बताया था ना क्या था इसका नाम? डोमेन। तो हर एक डोमेन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेड इन सेम डायरेक्शन, यानी ईच डोमेन बिहेव एज अ स्मॉल मैग्नेट। हर एक डोमेन एक स्मॉल मैग्नेट बिहेव करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल में क्यों आता है? ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इसके इलेक्ट्रॉन अलाइन हो जाएंगे एक डायरेक्शन में तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो ये स्मॉल मैग्नेट है, ये भी स्मॉल मैग्नेट है, ये भी स्मॉल, हर एक छोटा छोटा स्मॉल मैग्नेट होगा। और इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एच को बोलते हैं ना, जो हम लोग करेंट फ्लो करा के मैग्नेटिक फील्ड दे रहे थे सोलेनॉइड में, दैट इज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग बोल रहे हैं एच। तो बाहर से जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो हर एक डोमेन का नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करेगा? एक क्लोज लूप बना लेगा। और इस क्लोज लूप के कारण नेट मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। व्हेन इट प्लेस इन वेरी हाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सडनली वेरी हाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ले आए तो क्या होगा? ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दीज डोमेन्स अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो डोमेन है सडनली रोटेट हो जाएगा ना, जैसे पैरामैग्नेटिक में वो जो क्या था एटॉमिक डाइपोल रोटेट हो रहा था, वैसे यहाँ पर एटॉमिक डाइपोल यानी एक सिंगल एटम का डाइपोल था नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पे क्या है ग्रुप ऑफ एटम का जो डाइपोल बन रहा है उसी को बोलते हैं डोमेन। तो व्हेन सडनली वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई टू इट देन ऑल द डाइपोल रोटेट देम ऑल द डोमेन सॉरी डोमेन रोटेट देम सेल्फ एंड अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड इट हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड मैग्नेट। क्योंकि देखो इस साइड क्या हुआ, नॉर्थ नॉर्थ अलाइन हो गया, इधर साउथ साउथ, यानी ये पूरा स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग साउथ पोल बन जाएगा, यानी इट विल अट्रैक्टेड और हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेट। ये प्रोसीजर कब होगा? वेन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाइड टू द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में
क्यों होगा? ड्यू टू रोटेशन ऑफ डोमेन। ये क्लियर हुआ कि नहीं? डोमेन वाला इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? डोमेन क्या होता है वो तो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है, अब देखो ये तो हुआ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब देखो, अब एक मॉडरेट मैग्नेटिक फील्ड, यानी वेरी स्ट्रॉन्ग भी नहीं और वेरी लो भी नहीं, उसको क्या किए कि इसके साथ मैग्नेटिक मटेरियल के साथ पे मॉडरेट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, यानी वेरी हाई मैग्नेटिक नहीं है और वेरी लो भी नहीं। अब उसको डोमेन के साथ हम लोग ज्वाइंट करके छोड़ दिए, यानी दो मैग्नेटिक पोल लिए ऐसा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है H, और जो अपना मैग्नेटिक मटेरियल है उसको इस मैग्नेटिक पोल के बीच में रख दिए। पहले क्या था, हर एक डोमेन का साइज सेम था और जो डोमेन था दे फॉर्म क्लोज लूप, जिसके कारण जो नेट मैग्नेटाइजेशन है वो हो गया था जीरो। आरुषि तो हमेशा लेट आती है 10 मिनट। तो पुराने वाले कंडीशन में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो जीरो है, यानी अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एच का वैल्यू जीरो है, तो द डोमेन आर अलाइन देमसेल्फ एंड फॉर्म अ क्लोज लूप। ये डोमेन का नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। देखो सिचुएशन समझो ध्यान से, जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे यानी वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ, तो ये डोमेन क्या हो रहा था, रोटेट हो जा रहा था, हर एक डोमेन अपने आप को अलाइन कर लेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, एंड इधर बन गया स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल, क्योंकि ये एरो वाला पोर्शन नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, एंड इट विल हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। अब क्या किए, एक मॉडरेट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी हाई भी नहीं है और वेरी लो भी नहीं। उस केस में क्या होता है कि डोमेन तो पहले ऐसे अरेंज किया था अपने आप को। डोमेन क्या है, डोमेन इज द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाइन इन सेम डायरेक्शन और ग्रुप ऑफ एटॉमिक डाइपोल अलाइन इन सेम डायरेक्शन। यानी पहले अगर इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, यानी 100 डाइपोल है, तो इधर भी 100 डाइपोल, इधर भी 100 डाइपोल, इधर भी 100 डाइपोल। बट व्हेन वी लेफ्ट द मटेरियल फॉर लॉन्ग पीरियड, छोड़ दिए इसको बहुत टाइम तक, तो क्या होगा, जो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड के पास है उसका साइज इंक्रीज होगा और जो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड से दूर है उसका साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो ये जो मैग्नेट जो डोमेन है जो मैग्नेटिक फील्ड के पास है उसका साइज इंक्रीज हो गया, यानी वो हाईली मैग्नेटाइज हो गया, और बाकी जो दूर दूर थे सबका साइज डिक्रीज हो गया, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हाई हो गया, बाकी का मैग्नेटिक मोमेंट लो हो गया, यानी ये जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो गया टुवर्ड द मैग्नेट। किसके कारण, ये जो डोमेन का साइज इंक्रीज हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन वीक मैग्नेटिक फील्ड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज ड्यू टू डोमेन डिस्प्लेसमेंट, याद रखना, एंड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज ड्यू टू रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक डोमेन। ये दो लाइन क्लियर है कि नहीं है?
क्लियर है। अब चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं हम। अच्छा ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आगे वाला क्लियर नहीं होगा, ये याद रखना। तो ये डोमेन का साइज जो इंक्रीज हो रहा है तो बाकी सारे डोमेन का साइज डिक्रीज हो जा रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है भाई, इतना ही वॉल्यूम है, एक का वॉल्यूम बढ़ेगा तो बाकी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। एक आदमी अगर मोटा होते जाएगा तो अपने अगल बगल वाले को दबाते जाएगा कि नहीं, इधर कंप्रेस करते जाएगा। वही हाल यहाँ पे हो रहा है कि पहले सबका साइज सेम था और ये मैग्नेट के ज्यादा क्लोज है इसलिए इसका साइज हो रहा है इंक्रीज, वॉल्यूम तो उतना ही है तो बाकी दबते जाएंगे, बाकी का साइज हो जाएगा डिक्रीज। और जब इसका साइज इंक्रीज हो रहा है यानी इसमें नंबर ऑफ एटॉमिक डाइपोल भी इंक्रीज हो रहे हैं, यानी पहले 100 था तो बाद में 200, 300, 400, 500, 1000 हो जाएगा, यानी इसका मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन है, सपोज ये हो गया तुम्हारा 100 टेस्ला और बाकी कोई 5 टेस्ला है, कोई 3 टेस्ला है, कोई 2 टेस्ला है, तो ये मोर डोमिनेटेड रहेगा ना, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेरी हाई होने के कारण ये जो मटेरियल है इट विल अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट, यानी इन मॉडरेट मैग्नेटिक फील्ड और इन वीक मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज ड्यू टू डोमेन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब इसके आगे देखते हैं हिस्टेरेसिस। ये हिस्टेरेसिस क्या होता है, ये आगे जब पढ़ोगे ना ट्रांसफार्मर वगैरह तो उसमें भी कॉन्सेप्ट है इसका। व्हाट इज हिस्टेरेसिस? हिस्टेरेसिस देखो इधर क्या हुआ कि सपोज एक ब्लेड लिए, अब उस ब्लेड को लॉन्ग टाइम तक मैग्नेट से साथ चिपका के रख दिए तो ब्लेड में भी हल्का सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, आता है कि नहीं आता? यस। तो क्या हुआ होगा उसमें, डोमेन का रोटेशन की डोमेन का डिस्प्लेसमेंट, बताया था ना भाई लॉन्ग टाइम तक छोड़ दिए हैं तो डोमेन का क्या होता है वेदांश, रोटेशन की डिस्प्लेसमेंट। क्यों शिवांग, जब सडनली मैग्नेटिक फील्ड ले आएंगे तो रोटेशन होगा और लॉन्ग पीरियड तक रखेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डोमेन का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जैसे एक ब्लेड में लिया, ब्लेड को छोड़ दिया मैं किसमें मैग्नेट था चिपका के, फिर वो मैग्नेट ब्लेड भी क्या होगा, मैग्नेट बन जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, उस ब्लेड को डीमैग्नेटाइज करूंगा, यानी पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसके अंदर जो हिडन मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिमूव करना चाहूंगा। तो पहले मैग्नेटाइज किया बाद में डीमैग्नेटाइज किया, तो ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में जो एनर्जी लॉस होगा दैट इज नोन एज हिस्टेरेसिस लॉस और हिस्टेरेसिस। समझ में आया? जैसे एक बच्चा है पढ़ने लिखने वाला है, उसको कोई बिगाड़ दिया, वापस उसको सुधारेगा तो उसको बिगाड़ने और सुधारने में जो एनर्जी लॉस हो रहा है ना दैट इज नोन एज हिस्टेरेसिस। सिमिलरली ब्लेड तो ब्लेड था, ब्लेड को पहले मैग्नेट बनाए फिर उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेट के साथ चिपका के उसके मैग्नेटिक नेचर को हटा रहे हैं, तो ये जो ब्लेड को मैग्नेट बना रहे हैं और ब्लेड का मैग्नेटिक नेचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं
इसमें जो एक्सटर्नल एनर्जी लग रहा है दैट इज नोन एज हिस्टेरेसिस। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो व्हाट इज हिस्टेरेसिस? तो हिस्टेरेसिस क्या होगा? लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज हिस्टेरेसिस। ओके, अब देखो क्या होता है कि सपोज दिस इज आयरन पीस प्लेस्ड इनसाइड ऑफ मैग्नेट, एच है तुम्हारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और बी है मैग्नेटिक इंडक्शन जो मटेरियल के अंदर इंड्यूस होगा। एच जो हम लोग बाहर से लगा रहे हैं, याद रखना एच यानी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड बी है मैग्नेटिक इंडक्शन। एच को हम लोग अप्लाई करते हैं और बी जो मटेरियल में इंड्यूज होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। यानी ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। चलो देखो, अब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यही ग्राफ पूछता है, इधर तुम्हारा एच है और इधर है बी। एच क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और बी क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। यानी एच हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, बी मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे अगर मैं एक आल्पिन में दूसरा आल्पिन चिपकाऊं, चिपकेगा क्या? एक आल्पिन लिया और उसमें दूसरे आल्पिन को नीचे चिपका रहा हूं, चिपकेगा? नो सर। अब फर्स्ट वाले आल्पिन से मैं मैग्नेट चिपका दिया, उसके बाद सेकेंड आल्पिन को फर्स्ट आल्पिन में चिपकाऊंगा तो क्या होगा? चिपकेगा ना। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, वो यानी ये एच था, इसको जब मैं मटेरियल के साथ चिपकाया तो मटेरियल भी एज ए मैग्नेट बिहेव करने लगा। यानी मटेरियल का मैग्नेटिक नेचर बी, फिर जब ये हटा दूंगा बी भी इसका रिमूव हो जाएगा। तो एच अप्लाई करने से बी प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, चलो देखो अब क्या किए, एच का वैल्यू मैं इंक्रीज कर रहा हूं। कैसे इंक्रीज किया? 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, 4 टेस्ला, 5 टेस्ला, 6 टेस्ला। क्या होगा? मटेरियल मैग्नेटाइज होगा कि नहीं होगा? यानी धीरे 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 मैं एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के पास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जा रहा हूं, तो इस मटेरियल का मैग्नेटिक नेचर भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। तो चलो मैं एच को इंक्रीज कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बी भी इंक्रीज होगा। तो एच इंक्रीज होने से बी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा ग्राफ मिलेगा। फिर और एच को बढ़ाते जाओ, फिर बी बढ़ते जा रहा है। अब ये क्या होगा? इसमें डोमेन का रोटेशन कि डोमेन का डिस्प्लेसमेंट? भाई मैं मैग्नेटिक फील्ड को जीरो से बढ़ा रहा था ना, यानी वीक से स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे जा रहा है। तो डोमेन रोटेट करेगा कि डिस्प्लेस होगा? अरे रोटेट तब होता है जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। एक आदमी को एक झापड़ कस के मार दो, वो रोटेट होगा, और धीरे धीरे प्रेस करोगे डिस्प्लेस होगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं ना। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड में सडनली ला रहा हूँ, एकदम सडनली ला के लगा देगा तो तुरंत तुम्हें रोटेट हो जाएगा, बट यहाँ मैं स्लोली स्लोली डिस्प्लेस कर रहा हूँ। तो स्लोली स्लोली मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी पहले डोमेन छोटा था, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। जैसे जैसे डोमेन का साइज इंक्रीज होगा, बी का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। यानी एच बढ़ा रहे हैं तो बी भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा।
समझ में आया? यस सर। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये एच बढ़ा रहे हैं, बी बढ़ रहा है, और बढ़ा है, और बढ़ा, तो डोमेन एक पर्टिकुलर एरिया तक ही ना बढ़ेगा, उसके बाद कितना भी एच बढ़ा लो बी का वैल्यू और इंक्रीज नहीं होने वाला, क्योंकि डोमेन को इंक्रीज होने के लिए और साइज तो मिल नहीं रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई बैलून को फुलाओगे एक लिमिट तक ही फूलेगा ना, उसके बाद तो फूट जाएगा। वही यहाँ पे हो रहा है कि एच बढ़ा रहा हूं तो बी भी बढ़ रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डोमेन का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो साइज इंक्रीज होने से एच इंक्रीज होने से बी भी इंक्रीज हुआ। बट आफ्टर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एच बी बिकम कॉन्स्टेंट, ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलने लगेगा। कॉन्स्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि डोमेन है कंप्लीटली बीन डिस्प्लेस, जो डोमेन पूरा डिस्प्लेस हो गया है। अब कितना भी एच लगा लो बी नहीं बढ़ने वाला, यानी मटेरियल इज कंप्लीटली मैग्नेटाइज इन दिस केस, यानी एट दिस पॉइंट द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड एच एस। एच एस यानी सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन, ये पूछता है सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन। तो क्या होता है सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन? द मैक्सिमम मैग्नेटाइजिंग फील्ड एट विच मैग्नेटिक इंडक्शन बिकम कॉन्स्टेंट इज नोन एज सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन। और इसी के करस्पॉन्ड जो मैग्नेटिक इंडक्शन मिलेगा बी एस, दैट इज सैचुरेटेड मैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन या सैचुरेटेड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में एच को बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, हमको तो एक बार मैग्नेटाइज करना है, एक बार डीमैग्नेटाइज करना है। वापस एच के वैल्यू को कम करते जाओ, यानी एच का वैल्यू जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 था ना, फिर से 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 1 एच के वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तो बी का वैल्यू रिड्यूस होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई मैं बाहर से मैग्नेट हटा रहा हूं, होना चाहिए ना, तो होगा। यानी एच डिक्रीज करेंगे बी का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। कायदे से यही वाले पाथ को फॉलो करना चाहिए कि जैसे जैसे इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे डिक्रीज होगा। बट एक्सपेरिमेंटली क्या बोलता है, क्या मिलता है, एज द वैल्यू ऑफ एच इंक्रीजेस बी फॉलो पाथ फ्रॉम ए टू स्मॉल बी। पहले ओ से ए इंक्रीज हुआ था, अब ए से बी तक डिक्रीज हुआ। यानी जब मैं एच का वैल्यू जीरो कर दिया, वापस जीरो, तो बी का वैल्यू जीरो हो रहा है क्या? बी का वैल्यू यहां पर एच भी जीरो है, बी भी जीरो था, अभी एच को मैं इंक्रीज किया, बी भी इंक्रीज हो गया, फिर जब मैं एच को जीरो किया तो बी का वैल्यू, बी का ग्राफ आके यहां रुक जा रहा है, जीरो हो रहा है क्या? एच का वैल्यू यहां पर देखो, एक्स एक्सिस में एच का वैल्यू यहां पर जीरो है, बी का वैल्यू जीरो हो रहा है क्या? बी का ग्राफ तो यहां पर रुक जा रहा है ना, जीरो हो रहा है क्या बी का वैल्यू? नहीं हो रहा है ना। यानी ये सिचुएशन है कि पहले ये एच बढ़ाया, पूरा डोमेन डिस्प्लेस हो गया, जब वापस इसको पुराने कंडीशन में लाओगे तो बी पूरी तरह पुराने कंडीशन में नहीं आ रहा है, यहां आके रुक गया। यानी ब्लेड को पहले मैग्नेट बना दिए, यानी मैग्नेट के साथ चिपका के छोड़ दिए, ब्लेड का पूरा डोमेन डिस्प्लेस हो गया है। अब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हटा दिए तो ब्लेड के अंदर मैग्नेटाइजेशन रहता है कि नहीं? यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी ब्लेड के अंदर आ गया,
तो ब्लेड के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचा हुआ है दैट इज नोन एज बी आर यानी रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन। क्या कहलाएगा ये? रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन और रिटेंटिविटी, याद रखना BR इज कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन और रिटेंटिविटी। दैट मीन्स व्हेन एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड बिकम जीरो देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड आवर मटेरियल। दिस स्मॉल मैग्नेटिज्म इज नोन एज रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी। आया समझ में? ये क्यों हुआ है? क्योंकि व्हेन वी वर अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड डोमेन वॉज कंटिन्यूअसली बीइंग डिस्प्लेस्ड, बट व्हेन वी रिमूव मैग्नेटाइजिंग फील्ड डोमेन डज नॉट रीगेन देयर ओरिजिनल पोजिशन। आया समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। ये पूछता है व्हाट इज रिटेंटिविटी, तो रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन इज द मैग्नेटिक इंडक्शन लेफ्ट इन मैग्नेटिक मटेरियल आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको मेरे को हटाना है, यानी इस डोमेन को पुराने कंडीशन में लाना है। ये वाला जो कंडीशन था ओल्ड वाला, यहां तक था ना, अभी इतना इसमें बचा हुआ है मैग्नेटिक इंडक्शन, वापस लाना है। क्या करना पड़ेगा? लोहे को मोड़ दिए, छोड़ोगे, वापस पुराने कंडीशन में आ गया है, बट वो रॉड पूरी तरह पुराने कंडीशन में नहीं आया है। पहले रॉड सीधा था, ऐसा मोड़ के छोड़े, ऐसा हो गया। वापस सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से उसको उल्टे डायरेक्शन में मोड़ोगे कि नहीं मोड़ोगे? तो वही चीज यहां करना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड हटाना है, तो अब फिर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच अप्लाई करेंगे, बट इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर से बढ़ाते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे 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 ये तुम्हारा आ गया यहां पर, यानी बी हो गया जीरो। बी तुम्हारा क्या हो गया? जीरो हो गया कि नहीं हुआ? यहां बी का वैल्यू जीरो है कि नहीं? भाई बी अलोंग वाई एक्सिस था, बी का वैल्यू जीरो हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. हो गया। बट इस केस में एच का वैल्यू जीरो है क्या? नहीं है। एच का वैल्यू जीरो नहीं है। ये इट हैज सम वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ एच इज नोन एज कोर्सिविटी, एच सी। एच सी इज द कॉल्ड कोर्सिविटी, यानी मैक्सिमम मैग्नेटाइजिंग फील्ड एट विच मैग्नेटिक इंडक्शन बिकम जीरो। यानी एच को इतना हम लोग इधर लगा रहे हैं कि वापस पुराने कंडीशन में आ गया यहां तक। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है ना, ड्यू टू विच मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ मटेरियल बिकम जीरो इज नोन एज कोर्सिविटी। तो ये तुम्हारा जितना डोमेन था सब पुराने कंडीशन में आ गया, इसीलिए बी का वैल्यू हो गया जीरो। अब इसको हम लोग यही प्रोसीजर कंटिन्यू रखे हैं, इसी डायरेक्शन में और बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या होगा? ये जो डोमेन है ये उल्टे डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चालू हो जाएगा, ऐसा। यानी मटेरियल का अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। और अगेन एक कंडीशन आएगा जब क्या होगा, बी का वैल्यू हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि फिर से अब मटेरियल का जो डोमेन है
वो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये जो पोजीशन था ये था तुम्हारा एच एस, इसको क्या बोलेंगे सेचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन, और ये जो बी एस था ये सेचुरेटेड मैग्नेटिक इंडक्शन जो यहाँ और यहाँ पर मिला था, बट साइन क्या रहेगा निगेटिव। वापस हमको बी को जीरो करना है, फिर से एच का डायरेक्शन रिवर्स कर दो, पहले फॉरवर्ड फिर रिवर्स फिर फॉरवर्ड, फिर एच को धीरे धीरे क्या करोगे कम करते जाओगे तो फिर से बी का वैल्यू डिक्रीज होगा, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन एच इक्वल टू जीरो बी इज नॉट जीरो इट हैज सम वैल्यू। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वैल्यूज, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रेसिडुअल मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको क्या बोल रहे थे रिटेंटिविटी बोल रहे थे। और फिर अगर आगे जीरो करना है बी को तो क्या करोगे बताओ, किसको ये एच को फिर से बढ़ाओगे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्यों शिवांग? यस सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये एच को जीरो कर दिए यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले हम लोग बढ़ा दिए फिर कम कर दिए, एच के जीरो के बाद कायदे से बी जीरो होना चाहिए, बट बी जीरो नहीं हो रहा है, इट हैज सम वैल्यू जैसे पहले वाले प्रोसीजर में हुआ था। दिस इज नोन एज रेसिडुअल मैग्नेटिक इंडक्शन और रिटेंटिविटी। अब ये रिटेंटिविटी जीरो करना है, रिटेंटिविटी क्यों हुआ एच का वैल्यू जीरो किए, देखो यहां पर जब लाए थे ना तो डोमेन कंप्लीटली डिस्प्लेस हो गया था, जैसे जैसे एच को जीरो करते जा रहे हैं वापस डोमेन पुराने कंडीशन में आ रहा है, बट यहां तक आते आते एच का वैल्यू जीरो करने के बाद भी डोमेन पुराने कंडीशन पर नहीं आया, यानी ये उसका ओल्ड कंडीशन था, यानी इतना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल में बच गया, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिक इंडक्शन और रिटेंटिविटी। अगर इसको फिर से जीरो करना है वापस पुराने कंडीशन में लाना है तो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को फिर से उल्टे डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे डोमेन डिस्प्लेस होते होते पुराने कंडीशन में आ जाएगा, यानी बी का वैल्यू हो गया जीरो, बट एच का वैल्यू जीरो नहीं हुआ, ये तुम्हारा है एच सी, जिसको क्या बोल रहे थे कोर्सिविटी। तो कोर्सिविटी का बता दे डेफिनेशन ना, मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड एट विच मैग्नेटिक इंडक्शन बी बिकम जीरो इज नोन एज कोर्सिविटी। आगे फिर से एच को इंक्रीज करते जाओगे फिर से ये ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो ये जो ग्राफ क्या बता रहा है कि हम लोग एक बार मटेरियल को मैग्नेटाइज किए फिर कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज किए, तो ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में इतना एनर्जी लॉस हो रहा है, इसी एनर्जी लॉस को क्या बोलते हैं हिस्ट्रेसिस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? yes, sir. ठीक है, तो व्हाट इज हिस्ट्रेसिस का देखो क्या लिखोगे नोट्स में, द लॉस इन एनर्जी, कितना एनर्जी, ये वाला जो एनर्जी है ना ये जो ग्राफ इंक्लोज कर रहा है, द लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज हिस्ट्रेसिस लॉ। अब यहां जो पॉइंट बताया था मैं एच एस क्या था, सेचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन और बी एस क्या है सेचुरेटेड मैग्नेटिक इंडक्शन।
So what is the definition of HS? Maximum magnetizing field at which magnetic induction become constant is known as saturated magnetization, and the constant magnetic induction is known as saturated magnetic induction. फिर इसको रिड्यूस किए, एच का वैल्यू हो गया जीरो, यहां पर आके इसका मैग्नेटाइजेशन रुक गया, जिसको बोल रहे थे बी आर यानी रिटेंटिविटी, या इसको रेसिडुअल मैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या हुआ कि मैग्नेटिक इंडक्शन लेफ्ट इन मटेरियल व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड बिकम जीरो इज नोन एज रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड बाहर वाले फील्ड को जीरो कर दिए, फिर भी उसमें थोड़ा सा मैग्नेटिक नेचर जो बचा हुआ है मटेरियल में, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। अगेन इसको रिवर्स ऑर्डर में क्या मिला, फिर से कोर्सिविटी मिला। कोर्सिविटी मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड एट विच मैग्नेटिक इंडक्शन बिकम जीरो इज नोन एज कोर्सिविटी। फिर आगे प्रोसीड करोगे, सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन मिल गया, फिर इसको कम करोगे, फिर से आ गया रिटेंटिविटी, फिर कोर्सिविटी, और फिर से सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन। तो ये जो कंप्लीट साइकिल है, इसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, दैट इज नोन एज हिस्टेरेसिस और हिस्टेरेसिस लॉस। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, मैं नोट्स भेजा हूँ, उसमें मैं एक्सप्लेन किया हूँ उसको, एक एक पॉइंट को। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बट जितना है, बी आर क्या होता है, एस सी क्या होता है, एच एस क्या होता है, और ये लॉस क्या होता है, इतना तुमको जानना है बस। अब इसमें आता है सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। देखो, तो सॉफ्ट मटेरियल यानी मैग्नेटाइज किए, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हटा लिए, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया, दैट इज नोन एज सॉफ्ट मटेरियल और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। यानी द मटेरियल एट विच व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड इट विल कंप्लीटली मैग्नेटाइज, एंड व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव इट विल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज इज नोन एज सॉफ्ट मटेरियल। समझ में आया? एग्जांपल है तुम्हारा सॉफ्ट आयरन एंड एलॉय। सॉफ्ट आयरन बस याद रखो, बाकी बहुत सारे एलॉय है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसके लिए हिस्टेरेसिस कर्व कैसे बनेगा कि इसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो रहा है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर अ हिस्टेरेसिस कर्व फॉर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या बता रहा है? ये एरिया भी लेस है, एरिया लेस है, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी लॉस भी कम हो रहा है, इसका कोर्सिविटी भी लेस है, इसका रिटेंटिविटी, यहाँ एस सी मिलता है ना, एस सी, और ये बी आर, इधर भी बी आर और इधर एस सी। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है लो कोर्सिविटी एंड लो रिटेंटिविटी। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बताओ तो? इट हैज लो कोर्सिविटी,
लो रिटेंटिविटी एंड लो हिस्टेरेसिस लॉस। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं सॉफ्ट मटेरियल का? तो ये एरिया कम होने से क्या होगा, कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गया और आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया। ये यूज होता है किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इट इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो व्हाट इज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल? तो द मटेरियल विच हैविंग लो कोर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी एंड लो हिस्टेसिस कर्व इज नोन एज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। दिस मटेरियल कंप्लीटली मैग्नेटाइज व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, बट व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव इट विल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज। दिस टाइप ऑफ मटेरियल यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? स्विच ऑन किए मैग्नेट बन गया, स्विच ऑफ किए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गया। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? सॉफ्ट मटेरियल दैट इज स्टील। नेक्स्ट है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए H और B के बीच जो ग्राफ है वो कैसा होगा? ऐसा। क्या क्या नेचर है इसमें? हाई कोर्सिविटी, हाई रिटेंटिविटी एंड हायर हिस्टेरेसिस कर्व। ओके, तो ड्यू टू हाई कोर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी द एनर्जी लॉस इज मोर। यानी अगर मेरे को इसको डीमैग्नेटाइज करना है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। एंड दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। भाई परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो अपने को क्या करना है? ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना है कि मैं बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके जब उसको एक मैग्नेट बना दूं और मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर दूं, उसके बाद भी उसके अंदर मैग्नेटिक नेचर होना चाहिए। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? हायर हिस्टेरेसिस कर्व। जितना हायर हिस्टेरेसिस कर्व रहेगा उतना ज्यादा देर तक वो रहेगा परमानेंट मैग्नेट, और जितना लोअर हिस्टेरेसिस कर्व रहेगा उतना जल्दी उसका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय हो जाए। आया समझ में? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है। ये दोनों ग्राफ बनाना यूट्यूब से। चलो ऐसा क्वेश्चन आता है, ये तुम्हारा दो ग्राफ दिया है, देयर आर टू ग्राफ। टू हिस्टेरेसिस कर्व है, दिस इज कर्व वन, दिस इज कर्व टू। अब इस कर्व में ये तुम्हारा एच और बी के बीच कर्व है। चलो अब बताओ विच कर्व है हायर कोर्सिविटी, कौन सा हिस्टेरेसिस कर्व का कोर्सिविटी हायर है, वन की टू? कोर्सिविटी बताया हूं ना अभी, तो इसमें से कौन से कर्व का कोर्सिविटी हायर है? कोर्सिविटी कहां मिलता है? ये एचसी का वैल्यू, एचसी एससी, किसका कोर्सिविटी हायर है, वन की टू? क्यों वेदांश? शिवान, सेकेंड का। तो सेकेंड है हायर कोर्सिविटी, एससी का वैल्यू हायर है किसका, टू का। विच है हायर रिटेंटिविटी, बीआर का वैल्यू हायर किसका है, वन की टू? वन का हायर रिटेंटिविटी। थर्ड,
विच इज यूज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए किसको यूज करेंगे? वन की टू? सर वन। वन बिकॉज लो स्टेसिस लॉस। एंड विच वन इज यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, किसको यूज करेंगे? टू को। ओके गुड, अब ये क्लियर हो गया ना क्या होता है कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी, हिस्टेसिस लॉस? क्लियर हो गया सबको? चलो जो नोट भेजा हूं उसमें मैं ये सब लिखा हूं, उसको स्टडी करो। और ये तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका टेस्ट कब दिलाना है बता दो, कब देना है टेस्ट?